तो नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के सिंह उपकार होम्यो क्लिनिक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज मैं फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मेडिसिन के बारे में आप लोगों से चर्चा करेंगे, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जाता है। उस दवा का काफ़ी बहुत अच्छा रोल माना गया है, तो आज हम वही दवा का चर्चा करेंगे। और आपसे आग्रह पूर्वक कहना है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को लाइक से या सब्सक्राइब अवश्य करें, इसी तरह से जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम चर्चा करते हैं जिस सब्जेक्ट के लिए उस सब्जेक्ट पर। आज दोस्तों मैं चर्चा करूँगा जो बहुत सारे ओल्ड स्टेज में, माने आफ्टर 50 या आफ्टर 45 ये केसेस अभी प्राय पाया जाता है यूरिन से रिलेटेड। डेट मीन्स यूरिन करने में काफ़ी परेशानी हो, यूरिन में जो फ्लो बनना चाहिए वो फ्लो नहीं बनता हो, तो इससे रिलेटेड आज हम चर्चा करेंगे। प्रोस्टेट जैसे बेनाइन कैंसर, बेनाइन प्रोस्टेट, प्रोस्टेट से के लिए यह दवा काफ़ी अच्छा माना गया है दोस्तों। और यूरिन ब्लडर से संबंधित दवा काफ़ी इम्पोर्टेंट दवा है, जिसका मैं चर्चा आपके बीच कर रहा हूँ दोस्तों। उस दवा का नाम है सवलसरलुटा Q30-200, मान इस प्रकार से डाइलोशन और ब्लड टिंचर दोनों में आते हैं। सवलसरलुटा इज वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन। यह जो है सवलसरलुटा अमेरिका में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है इसका पौधा, और उसी से इस दवा को बनाया जाता है दोस्तों। तो चलिए फिर हम टॉपिक की तरफ आ रहे हैं। तो यूरिन से रिलेटेड और बेनाइन प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट जो भी प्रोस्टेट के लिए काफ़ी अच्छा इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना गया है दोस्तों, और महिलाओं के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन माना गया है। तो दोनों ही कंडीशन में, जैसे यहाँ अब लोअर पार्ट में पेन होना, हार्मोनल डिसबैलेंस होना, बहुत सारे सेक्सुअल प्रॉब्लम होना, बहुत सारे महिला का ब्रेस्ट साइज बढ़ाने में बहुत सारे लोग सवलसरलुटा का प्रयोग, लेकिन एक्चुअली क्या है, ब्रेस्ट कम होना या बड़ा होना, जब आपका हार्मोनल डिसबैलेंस होगा तो ये उसमें सवलसरलुटा का भी रोल आता है। मेंसुअल मेंस से रिलेटेड महिलाओं के लिए तो यह दवा दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब चलिए, अब मैं फिर बता रहा हूँ कि यह मेडिसिन जो है यूरिन, ये सारे चीज, हार्मोनल डिसबैलेंस और ये सब में काफ़ी अच्छा रोल माना गया है। और इस दवा को थोड़ा दिन खाएं, महीना 15 दिन, यदि रिजल्ट मिलता है तो फिर कंटिन्यू करें, नहीं तो फिर इसको कोई अच्छे डॉक्टर से, होम्योपैथी इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, अच्छे आप जिस शहर में रह रहे हों उस शहर में अच्छे डॉक्टर से राय विचार करें। और बहुत सारे इससे रिलेटेड मेडिसिन आते हैं, वो आप या हमारे कॉमेंट में आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब रह गया सवलसरलुटा हम ले कैसे। तो यदि मदर टिंचर लिया जाएगा तो 20 ड्रॉप्स 3 टाइम a day विद सम वाटर, थोड़ा सा पानी मिला करके ले सकते हैं। और डाइल्यूशन लेंगे तो 30 ml 2 ड्रॉप 3 टाइम a day डायरेक्ट ऑन टंग, डायरेक्टली जीभ पर ले सकते हैं। अब इसमें दोस्तों मेडिसिन किसका ले, तो इसमें SBL है, डॉक्टर एक्वेग है, स्वाबे है, बहुत सारी दवा हैं, कंपनियां हैं, उसका आप दवा यूज कर सकते हैं। और इसके बावजूद भी यह हम आपको एक एग्जांपल दिए हैं, यदि क्रॉनिक केस हो तो आप अपने नियरेस्ट डॉक्टर से अवश्य संपर्क करें, डॉक्टर के गाइडलाइन में मेडिसिन लें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद जय भारत, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।